हेलो स्टूडेंट्स, मेरा टॉपिक चल रहा है सर्कल। क्योंकि अभी मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड किया है उसमें कहाँ तक करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के देखेंगे। अब मैं आपको सीधे से बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आपको कोई ना कोई एक, आपको 5 मई को जो अपकमिंग एग्ज़ाम मैथ्स का है उसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो एक्सरसाइज 10.2 और मेरा पेज नंबर है 213 और ये कहाँ पे है, एनसीईआरटी से। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर किस वाले की, यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर है 9। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। दो लाइन ऐसे दिए हैं उसने, उसमें ये नहीं बोला है कि लाइन पैरेलल है, और बोल दिया होगा तो अच्छी बात है, पैरेलल बोलिए बेटा, पर हमें शायद उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मुझे इसमें डायग्राम देख के लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका सर्कल है, ये आपका क्या है डायमीटर, एक एनोदा टेंजेंट, और कोई दूसरी टेंजेंट भी है वो सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है। तो यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक का और ये वाला एंगल, सेंटर में एंगल बना रहा हूँ, ये कितना होना चाहिए, नाइन्टी डिग्री। क्या होगा ये एंगल, 90 डिग्री होगा। ये आपको प्रूफ करना है बेटा। तो सबसे पहले मैं लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बाई एक्स, ये दो लाइन इसके लिए टेंजेंट का काम कर रही हैं, ये एक्स डैश है, ये बाई डैश है। अब बेटा यहाँ से देखो आप, ये क्या है मेरा सी। कल मेरी एक और वीडियो आएगी आपके एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले, उसमें मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो इस बार के एग्ज़ाम के लिए हैं। ठीक है बेटा, एक या दो वीडियोस आएंगे उनको ज़रा ध्यान रखना। पी क्यू ओ और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और ये पॉइंट क्या है सी। आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ करने के काफ़ी मेथड, कुछ बच्चे इस पूरे इन एंगल्स को 90 में ले आते हैं और उससे कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और मेथड लगा रहा हूँ, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ सी को, क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सी को ज्वाइन कर दिया। जैसे ही आपने सी को ज्वाइन किया तो इसमें कुछ टेंजेंट, अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट एक ये रहा, तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, 2, तो इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, 2। दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ है, ये रहा, इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, 2, एक ये रही और एक ये रही। देखो बेटा, यहां से एपी और एसी दोनों टेंजेंट है, इक्वल है। एक ट्राइंगल के लिए मैं जरूर लिखूंगा, मैं किसको इक्वल प्रूफ कर रहा हूं आपको ये भी बता दूं, मैं इस एंगल को ले रहा हूं, यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर दी जाए थोड़ी देर के लिए ऐसे, ठीक है, तो किस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल की और इसकी, और सेम मैं कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे। अभी आपने थ्योरम प्रूफ की थी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अब देखो कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल पी ओ ए, कौन सा ले रहे हो आप, पी ओ ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, कौन सा ट्राइंगल हो गया मेरा, ओ सी ए, सॉरी सी ओ ए लेना है आपको, जो फॉर्मेट ऊपर लगा रहे हो वही इस पर लगेगा, दोनों पर कैसा लगेगा सेम, पी ओ ए और दूसरा सी ओ ए। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने अभी थ्योरम में प्रूफ करके आए, थ्योरम नंबर 10.2, इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो, तो सेम कंसेप्ट लगा दो जल्दी जल्दी। ओ पी इक्वस टू ओ सी, क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, भाई सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। यहाँ से कितना है, ये रहा, और यहाँ से ये। अब बेटा देखो, ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, ओ पी इक्वस टू ओ सी। नेक्स्ट बेटा,
इसके आगे देखो, मैंने क्या बोला कि ओ ए क्या है, कॉमन। ओ ए इक्वल्स टू, ये कौन सी साइड है, कॉमन। एक एंगल 90 डिग्री का होता है, कौन सा होता है 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कहाँ पे है, ये रेडियस है, टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, कितना है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन को ये क्या चाहिए बताओ जल्दी, 90 डिग्री वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ओ पी ए एंगल, और दूसरा एंगल कितना है ओ सी ए। और कितना है 90 डिग्री, और रीजन सबको पता है क्या है, रेडियस इज ऑलवेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू। अब क्या है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन टेंजेंट्स। ये बस यही लाइन लिखनी थी, इसके अलावा ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्गुएंट टू ट्राइंगल सी ओ ए। जैसे ही आपने ट्राइंगल कॉन्गुएंट किए तो बेटा इससे एक चीज़ मुझे ज़रूर मिल रही है, क्यों, मुझे ये एंगल चाहिए, बस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे इक्वल, ये आपको लिख के बताना है, क्या करना है लिख के बताना है। तो एंगल ए ओ पी, ए ओ पी, ए ओ पी, और दूसरा एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, और रीज़न क्या है इसका, सी पी सी टी, सबको पता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से ये वाली साइड और ये भी इक्वल होगा, पर आपको उससे पहले लिखना है, क्या लिखना है, ये लिखना है सिमिलर ट्राइंगल। अब मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, या लाइन खींच के यहाँ पे लिख रहा हूँ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर फॉर, सिमिलर फॉर क्या लिखेंगे, सिमिलर ट्राइंगल नहीं, सिमिलर फॉर, सिमिलर फॉर वहाँ सेम के लिए, क्या है ट्राइंगल सी ओ बी, सी ओ बी एंड ट्राइंगल क्यू ओ बी, दोनों कैसे हैं कॉन्वेंट, कैसे हो गए दोनों कॉन्वेंट, तो इनका एंगल भी कैसा होगा, एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, और ये दोनों कैसे होंगे एक दूसरे के इक्वल, प्लस हटाओ इक्वल रख दो दोनों को, क्योंकि अभी हम इनको आगे क्या करेंगे ऐड करेंगे। एक इक्वेशन आपकी ये रही और एक इक्वेशन आपकी ये रही, और ये आपका क्या है डायमीटर, तो डायमीटर पे चारों मिलके पता है ये मिलके एक ही एंगल बनाएंगे, और वो एंगल कितने का होगा 180 डिग्री का। एंगल पी पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है इसका, सबको पता है क्या रीज़न है बेटा, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। अब देखो पी ओ ए, एंगल पी ओ ए प्लस ए ओ सी, ए ओ सी प्लस सी ओ बी, मैंने चारों को प्लस में लिख दिया है, सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो मैं इन दोनों को लेके इस वाली फॉर्म में लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, उसका रीजन है कि इसका सम और इसका सम मिला के हो जाएगा इस पूरे का सम ए ओ बी, तो मुझे यही प्रूफ करना है। तो यहां से देखो पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए और ए ओ सी दोनों कैसे हैं इक्वल है, तो फ्रॉम आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं ए ओ सी का ट्वाइस लिखूंगा, किसका लिखूंगा ए ओ सी, क्योंकि ये और ये कैसा है इक्वल, कैसा है ये और ये इक्वल, तो दोनों से मिलके चाहे इसका ट्वाइस लिख लो चाहे इसका लिख लो प्लस हो रहे हैं, तो इस वाले का लिखेंगे क्योंकि अभी हम इसको ऐड करेंगे, तो ए ओ सी ट्वाइस। अब यहां पर कितना है सी ओ बी, तो सी ओ बी तो ये रहा, ये तो चाहिए ही चाहिए,
और दूसरा क्या है क्यू ओ बी, तो क्यू ओ बी ये और ये वाले इक्वल है, तो इन दोनों से मिलकर कितना लिखोगे, चाहे इसका लिखो चाहे इसका, पर हम इसका क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में ऐड हो गए ए ओ बी बना देगा, प्राइस ऑफ सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब सब में टू आ रहा है तो होल इक्वेशन डिवाइडेड बाई टू, तो ए ओ सी प्लस सी ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से मेरा क्या प्रूफ होके आ गया, देखो ए ओ सी और सी ओ बी कितना होगा, ए ए ओ सी मतलब यहाँ का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होगा ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही करना था बेटा, नीचे लिख दो हैंस प्रूफ। ओके बेटा जी, अब हम क्या देखेंगे, यहाँ से आगे देखेंगे। देखो मैं एक क्वेश्चन बड़े धीमे धीमे अच्छे तरीके से समझा के आपको कर रहा हूँ, तो आपसे मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि सारे बच्चे मेरी मेहनत को बेकार ना जाने दें, प्रैक्टिस करें देख के धीरे धीरे समझ के। मैं 10 मिनट में करा रहा हूँ क्वेश्चन को समझा के, आप थोड़ा सा टाइम और लगा लेना, पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में सेम ट्राइंगल प्रूफ होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम के पर्पज से। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रूफ दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, किन के बीच का एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो ये रहे आपका सर्कल, ये आपका सर्कल है, ठीक है बेटा, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आपकी यही तो ड्रॉ होंगी, तो उसमें कि दोनों टेंजेंट का और ये रहा इसका सेंटर, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो मिलाने वाले सेगमेंट है मतलब रेडियस, ये और ये मिलके यहाँ पे, अब उसने किस एंगल का बोला है, इन दोनों एंगल का सम कैसा होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है बेटा इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री दैट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री, एंड द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दैट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो हमें इन दोनों का सम कितना बताना है, ये वाला। अब इसी बहुत आसान है, यहाँ पे P, ये मेरा Q और ये मेरा R और ये मेरा हो गया O, कैसे कराएंगे, तो देखो बेटा ये सबको पता है 90 डिग्री का होगा, ये सबको पता है 90 डिग्री का होगा, क्यों होगा ये भी पता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा तो एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ, तो मैं इसको यहां से इसको 90 डिग्री लिख रहा हूं और नीचे वाले को नीचे लिख रहा हूं, पी आर ओ दोनों को अलग से लिख रहा हूं, ठीक है, चाहे कोई बच्चा एक ही में लिख दे, और रीजन क्या है, एक ही रीजन है, याद हो गया होगा सबको, क्या रीजन बोला जा रहा है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, अब किस पे होती है बताओ जल्दी, रेडियस इज ऑलवेज, एक ही बात तो बोली जा रही है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के ऊपर रेडियस हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर, और किस जगह पर होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल 90 का हो गया, दोनों के रीजन मिल गए आपको। अब आपको क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का सम होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री, तो 1 2 3 4 ऐड कर दो एंगल, यहाँ से लिखना शुरू करें P, या ऐसे लिखो आर पी क्यू, आर पी क्यू प्लस आर पी क्यू, अब इस पे आ गए हम, तो इसको लिखोगे पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ या ओ क्यू पी, एक ही बात है, ठीक है बेटा। अब दूसरा मेरा एंगल कौन सा है, यहाँ से देखो इस पे आ गए फर्स्ट सेकंड, तो लेके थर्ड वाला, तो क्यू ओ आर क्या हो गया, क्यू ओ आर प्लस, अब इस पे आ गए तो ओ आर पी, ओ आर पी,
इक्वल्स टू 360 डिग्री, और रीजन लिखोगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, क्यू यू ए डी, स्पेलिंग कंप्लीट कर, क्वाड्रिलेटरल। इतना समझ में आ गया। अब इसमें दो एंगल कितने डिग्री के, 90 के, तो पी और दूसरा क्यू ओ आर, क्यू ओ आर तो है ही नहीं, ओ आर पी है, कौन सा है, ओ आर पी, ये तो एज इट इज है, ये वाला, ये भी कितने का है 90 का, तो आर पी क्यू प्लस क्यू ओ आर, ये इधर दोनों प्लस हो रहे हैं तो उधर क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये मेरा 180 डिग्री आ गया, कितना आ गया 180 डिग्री बेटा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। अब आ गया मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, कौन से वाले पे, 11 पे। तो देखो बेटा 11 वाला क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और CBSE सैंपल पेपर ने भी अपने पेपर में दिया है ये, और क्या है, और सर्कल इसलिए आसान है बेटा कि इसका क्वेश्चन चॉइस में आएगा, और एक में दिक्कत आई तो दूसरा आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, कौन सा, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, मतलब आपका ये पैरेललोग्राम है, क्या प्रूफ करना है, रोम्बस, क्या प्रूफ करना है बेटा, रोम्बस, पर कंडीशन ये है कि उसके अंदर क्या बनना चाहिए, सर्कल बनना चाहिए, तो ये और ज्यादा आसान है। एक बात याद रखना कि जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट टू साइड्स कैसी होंगी, इक्वल, तो वही क्या होगा, रोम्बस। तो ठीक है बेटा बनाएं इसको, पहले सर्कल बनाना उसके बाद बनाना शुरू करना। अब बनाओ, एक साइड ने यहां पर टच किया, दूसरी ने टच किया, तीसरी साइड ने टच किया ऐसे, और ये फोर्थ साइड ने टच किया, और इस तरीके का क्वेश्चन हर बच्चा कर चुका है, ए बी सी डी, और ये क्या है सेंटर, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, और ये है एस, ये बन गया। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 8 के सेम प्रोसीजर है, उसमें आपने ये साइड और ये वाली और ये इक्वल की थी, अब आप क्या करोगे, ये वाली और ये वाली किसके प्रूफ करोगे, इस वाली के और इस वाली के। अब देखो सबसे पहले ये क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो सबको पता है ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा, और बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए डी। देखो बेटा ये गिविन था मेरा, कुछ मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, इतना ही आसन उसने दिया है, अब आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो बेटा प्रूफ में क्या करना है, बहुत ही आसान है, एक ही चीज़ बताई है, क्या बताया है मैंने, जितने पॉइंट सर्कल से बाहर आ रहे हैं उन सब के लिए टेंजेंट लिख दो, क्या लिख दो, टेंजेंट। सो हाउ मैनी पॉइंट्स आउटसाइड फ्रॉम द सर्कल, तो आंसर होगा आपका देयर इज ओनली 4 पॉइंट्स आउटसाइड फ्रॉम द सर्कल, कितने, 4, 1 2 3 4, कितने पॉइंट सर्कल से बाहर है, 4 पॉइंट्स आउटसाइड फ्रॉम द सर्कल, कितना है, सर्कल से बाहर कितनी है, 4। अगर 4 पॉइंट सर्कल से बाहर है तो हाउ मेनी टेंजेंट्स एग्जिस्ट फॉर 4 पॉइंट्स, दैट मींस इन 4 पॉइंट्स के लिए कितनी टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगी, तो बेटा यहां पे हमारे पास जितनी जो टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगी वो होंगी 8, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक पॉइंट के लिए 2 टेंजेंट्स होती हैं, कितनी टेंजेंट्स होती हैं, 2 टेंजेंट होती हैं। तो देखो बेटा एक एक करके पॉइंट लेना शुरू कर दो, बस मैं इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल प्रूफ कर रहा हूँ, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये एपी, और एग्जाम में आने के चांस इस वाले क्वेश्चन के 95% है, 95% तो ये आएगा ही आएगा, इसके अलावा फिर कोई सा भी एक आ सकता है चॉइस में। तो देखो बेटा एपी, एपी इक्वल्स टू कितना है, ए एस, भाई इसकी टेंजेंट कितनी है, दो ही तो हैं, एक ये रही ए पी और दूसरी कितनी है
ए एस। आगे हम दो ही तो टेंजेंट है, ए पी इक्वल्स टू ए एस। अब यहाँ से क्या है बी वाला पॉइंट, और बी की कितनी है बी क्यू और बी पी, तो बी की कितनी है बी क्यू और बी पी, दो ही तो है बी, पर मैंने उल्टा लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि ए पी लिख रहा हूँ तो ए पी की साइड में क्या लिखा जाएगा बी पी लिखा जाएगा बेटा, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। अब यहाँ पे आ गए तो आर सी और ये, तो क्यू सी कौन सी वाली साइड, क्यू सी, क्यू सी को कहाँ रखोगे यहाँ पे आपने रखा क्यू सी, तो क्यू सी के इक्वल कौन सा है आर सी। एट्थ वाले में कर क्या है सेम वही रिपीट होगा, सी वाले पॉइंट से एक क्यू सी हो गया दूसरा आर सी हो गया, और मैंने आर सी, अब आर सी के पास में कौन सा लिखा जाएगा डी आर, डी आर, और डी आर कहाँ से लिया जा रहा है यहाँ से, तो डी आर के साथ कितना आएगा डी एस, ऑन एडिंग होगा, पर रीज़न सबको बताना है, रीज़न क्या है इसका, तो इसका है लेंथ ऑफ, एक बात आएगा टेंजेंट मत लिख देना, सबसे पहले आपको लेंथ लिखनी ही लिखनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऐसे लिखने, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, जब बार बार आप इसको लिखोगे ना तो आपको भी स्टेटमेंट ये क्या होगा लर्न हो जाएगा, और ये लर्न आपको करना ही करना है, तो इसको बार बार जितना प्रॉपर लिख पाओ उतना। ये चारों कैसे हुआ इक्वल, तो आप लिख दोगे ऑन एडिंग, किस पे ऑन एडिंग, एडिंग का मतलब तो समझ रहे हो ऐड करने पे, तो ए पी प्लस बी पी प्लस आर सी प्लस डी आर, चार साइड्स तो ये हो गई, और यहाँ से ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी एस। अब बेटा देखो ए पी बी पी, ए पी बी पी, ए पी और बी पी मिलकर कितना हो जाएगा ए बी, तो मैं इस पे नीचे ब्रैकेट बना बना के सबको लिखे दे रहा हूँ बस, ए पी प्लस बी पी प्लस यहाँ से सी आर और डी आर, तो सी आर तो ये रहा और डी आर ये रहा, तो आर सी और डी आर मिल गए एक हो जाएगा आर सी प्लस डी आर। अब यहाँ पे देख लो ए एस के साथ क्या होना चाहिए डी एस होना चाहिए, तो ये रहा सेम वही आया था, एक पहले आ रहा है एक लास्ट में, तो ए एस प्लस डी एस बी क्यू प्लस क्यू सी, ए पी और बी क्यू कितना हो जाएगा ए पी प्लस बी पी, ए पी ये रहा और बी पी ये रहा, तो ए पी और बी पी दोनों का सम करना है आपको, तो ये मिलके मेरा कितना हो गया ए बी, और ये मेरा आर सी क्या हो गया सी डी, और यहाँ पे मेरा ए एस डी एस क्या हो गया बी सी, सॉरी ए एस डी एस हो गया मेरा ए डी, और ये क्या हो गया बी सी। अब ये आप सबको पता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी किसके इक्वल है सी डी के, वहाँ पे तो इतना ही प्रूफ करना था, इसमें एक छोटा सा प्रूफ क्या हो जाता है कि ये और ये इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डी, टू से टू कटा तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया ए डी, तो इसके हिसाब से तो ए बी और ए डी इक्वल है, तो बी सी सी डी और इक्वल हो गए, तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी, चारों साइड्स कैसी हो गई इक्वल इन एनी पैरेललोग्राम, लास्ट में नोट डाल के लिख देना इन एनी पैरेललोग्राम फोर साइड्स आर इक्वल देन दैट्स कॉल्ड ठीक है, उसी केस में हम उसको क्या बोलते हो, और कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ तो नहीं था, चार पॉइंट चारों से लिए इनको ऐड कर दिया, तो जैसे हमें ए पी लिख रहे हैं तो ए पी के पास में आ तो बी क्यू कोई भी आ सकती है, पर हम इसके साथ में इसको लिखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मेरे कितने क्वेश्चंस खत्म होते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 तक खत्म होता है, सारे बच्चे 12 छोड़ के कौन सा रीड करेंगे,
देखो मैंने क्वेश्चन का इस तरीके सेट बनाया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसमें। अभी जो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 13, फिर मेरा कौन सा रह जाएगा 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 और वो टू एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज से पहले के, टू एग्जाम्पल्स ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो यहां तक देखें, आज आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज इसी में से आएंगे, कुछ जो मैंने आपको करा दिए रिपीट होंगे तो मैं रिपीट करा दूँ। और इसमें कुछ नहीं था, चार पॉइंट्स से चारों साइड लिखी, ऐड कर दिया, ये दो एक दूसरे के कैसी होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस कट गया। अब ये इक्वल हो गई तो इनके साथ की बी सी सी डी भी इक्वल हो गई, और इक्वल हो गई तो चारों साइड सिर्फ अगर किसी पहले में इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। क्या बोलते हैं बेटा, रोम्बस। नेक्स्ट बेटा, प्रूव दैट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड अ सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी सेम क्वेश्चन वही है, 180 डिग्री का एंगल वाला। तो उन्होंने बोला है कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस कंडीशन ये है। क्या कंडीशन है बेटा, कि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या बना रही हैं, ये है, ठीक है। ये मेरा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसके सेंटर से जो इस पे एंगल बनेगा, इसकी अपोजिट साइड से, देख लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ये वाला और इस वाली साइड से ये वाला, ये दोनों मिलके 180 होने चाहिए, ये और ये, ठीक है, या फिर इधर से 180 होना चाहिए, कहां से होना चाहिए, यहां से, क्या होना चाहिए, यहां से ये वाला मिलके 180, ये दोनों, या फिर ये दोनों 180, कोई भी दो कर लो। तो बेटा ये तो हो ही गया, सेम चल रहा है क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना हमें, सेम ज्वाइन करना है, क्या करना है, ज्वाइन करना है, कैसे करना है ये सारे बच्चे देखेंगे। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐड किया ऐसे, और इसको इस वाले पे, अब ये टेंजेंट्स बन गई दोनों, क्या बन गई, टेंजेंट। तो पी क्यू आर और एस, तो यहाँ से ये दोनों टेंजेंट बन गई, इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। और जब ये डायग्राम बनेगा तो इसमें एंगल देखेंगे आप, ये एंगल मैंने रखा 1, ये रखा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखो कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो जैसे पॉइंट कौन सा है, ए, तो ए के पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वाला, ओ यहाँ पर ये है ना, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, और मैं इसको सेम उसी कंडीशन से लिखूंगा, पहले ट्राइंगल को क्या करूँगा, सिमिलियर, और जब ट्राइंगल सिमिलियर हो जाएगा तो उसके बाद ये एंगल 4 और 5 कैसे होंगे, इक्वल, ऐसे ही कौन से होंगे, 1 और 2 इक्वल। तो देखो सेम इन ट्राइंगल किसी को भी ले लो, चाहे आप इसको ले लो यहाँ से इस वाले को, ठीक है, मैंने भले इन पर सर्कल कर दिया, पर इस सेंटर का नाम क्या है, ओ। तो इन ट्राइंगल आर ओ सी, आर ओ सी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एंड ट्राइंगल क्यू ओ सी, क्यू ओ सी, सेम पॉइंट लिखे जाएंगे, ओ क्यू या ओ आर इक्वल्स टू ओ क्यू, क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, जो थ्योरम में लिखा था, सेम रिपीट होगा अभी एंगल बताने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, ये हो गया, ये वाला एंगल कितने का था, 90 का, ये क्या थी, 100 कॉमन, ओ सी इक्वल्स टू ओ सी, और यहां पर रीजन क्या हो गया, कॉमन। और अब थर्ड वाला पॉइंट मुझे लगता है हर बच्चे को याद होगा, पॉइंट क्या कह रहा है, एंगल ओ क्यू, देखो बेटा ये रेडियस, ये टेंजेंट, एंगल होगा 90 का, तो ओ आर सी, ओ आर सी, और दूसरा एंगल कितना हो गया,
ओ क्यू सी। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इसके बाद जो मेरा होगा यहाँ से कॉमन, और ये क्या है रेडियस इज, अब ये स्टेटमेंट रेडियस इज ऑलवेज, अब यहाँ से आगे आप समझ जाएंगे मैंने हर वीडियो में यही आ रहा है आगे तक छोड़ दिया है, ठीक है। कैसा हो गया ये परपेंडिकुलर, अब ध्यान से सुनना बेटा, इतना सबकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एंगल 1 = 8, एंगल 1 = कितना है 8, रीज़न सबको पता है CBCT, तो पहले ट्राइंगल भी लिख लो भाई, ROC इज कॉन्वर्जेंट टू ट्राइंगल QOC, ठीक है। ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग और इसके रीज़न एक ही चल रहा है RHS। अब ये थ्योरम आपने जो प्रूफ कराई थी मैंने आपको, अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए बेटा। अब देखो सिंपल एक ही चीज़ है और सब में करते चले जाओ, एंगल 1 = एंगल 8, अब ये सिमिलर वर्ड लगा देना, ठीक है। 1 किसके इक्वल होगा 8 के, तो 2 किसके इक्वल होगा 3 के, 2 = 3, 4 = 5, 6 = 8, ये सबको सॉरी 7 बेटा, कौन सा है 7, क्योंकि ये वाला 6 है और ये वाला 7। अब आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 और = 360 डिग्री, ठीक है बेटा। कितना आ गया 360 डिग्री, और 360 डिग्री क्यों आया है मेरी समझ तो एक ही बात आ रही है, क्योंकि ये पूरा सर्कल बन रहा है सेंटर पे, और पूरा सर्कल बन रहा है तो कितने का होगा 360 का। अब बेटा एक बात सुनो, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, नहीं है, लेकिन एंगल 1 और एंगल 8 चाहिए। अगर आपको ये दोनों चाहिए तो कौन से रहने चाहिए, 7, 8 और 3, 4, तो 2 और 3 में कौन सा इक्वल है, 2 और 3 दोनों इक्वल है, तो मैं 3, 4 को लूँगा, किसको लूँगा 3, 4 को, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3। इसने इसको कंप्लीट कर दिया, अब मेरा आ रहा है यहाँ से आगे का 4 और 5, तो 4, 5 में से मैं लूँगा 4 को, तो कितना हो गया इन दोनों में से ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब आगे बात 6, 7 पर, मुझे 8 वाला ये चाहिए 7, 8, तो 7, 8 कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 7, 8, देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 7, ठीक है। 6 क्यों नहीं लिखा समझ गए होंगे, क्योंकि 6 लिखोगे तो पार्ट यहाँ का बन जाएगा, 8 लिख दो यहाँ का, मुझे एंगल कौन सा चाहिए ये, और ऐसे ही 1 और 8 मिल गए, ये और ये मिल गए, क्या बन जाएंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 8 = 360 डिग्री, होल ऑफ इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2, तो सबके नीचे 2 का डिवाइड लगा, तो यहाँ से एंगल 3 कितना बचा, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 7 प्लस एंगल 8 = 360 डिग्री, इतना तो मेरी समझ में आ गया। अब मैं 3, 4 मिला के लिख रहा हूँ, जिसके लिए 3, 4 को साथ में लिखा था, ये वाला एंगल है भाई साहब ये वाला, तो एंगल AOB, एंगल AOB ये किससे बना 3, 4 से, 7, 8 से कौन सा बन रहा है COD, एंगल COD = यहाँ पर 2 से डिवाइड देने के बाद बेटा 180 डिग्री बचा था, तो ये कितना आ गया मेरा 180 डिग्री। ये अभी आपने इनके लिए तो बता दिया, अब जब नीचे का और ये कैसा है बिल्कुल एज इट इज सेम चलेंगे, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे सिमिलर, कैसे बताएंगे सिमिलरली, सिमिलरली AOD प्लस COB कौन सा होगा एंगल COB, क्लियर है बेटा, मैंने क्या बोला AOD और यहाँ से COB ये हो गया, और ये केस भी कितना होगा 180, और ये दोनों लिखना ही कंपलसरी है, क्या है कि ये दोनों लिखना कैसा है कंपलसरी है, हमने ये लिख दिया और आपको क्या हो गया क्वेश्चन यहीं से हैंस प्रूव्ड हो गया। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के जितने भी है ना, 6 से आगे के
कहाँ से 7 to 13, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट 12 को छोड़ के, 12 वाले को छोड़ के। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद मेरा है एग्जाम्पल 2 और 3। कौन कौन सा? एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, क्योंकि बच्चों का ये कहना है कि सर इसके जो प्रूफ्स है एग्जाम्पल्स के वो बहुत बढ़ दिया, वो इनसे बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये तीनों। अब कुछ नहीं है, इसी के साथ मेरा सर्कल भी खत्म होता है, 15-20 मिनट की वीडियो और आएगी मुश्किल से, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद सर्कल खत्म, और एक शॉर्ट्स वीडियो या एक शॉर्ट या दो शॉर्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर कल मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। बाकी यहाँ पर सबका सर्कल खत्म होता है, इस पूरे की प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं करना था, सेम सिमिलियर और वो, ठीक है। आज के लिए इतना ही।